तो चलो गाइस, आप लोग ये वायर देख रहे होंगे जो कि मेन वायर है, और ये बोर्ड के अंदर आएंगी वायर। ये देखो, यहाँ से ये अंदर, यहाँ से अंदर वायर आएंगी और यहाँ पर बोर्ड लगने वाला है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दो पॉइंट आएंगे, हम लोग पॉइंट देने वाले हैं, और यहाँ पर फैन का पॉइंट देंगे हम लोग। ये देख सकते हो आप लोग, ये पट्टी भी फिट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये देखो, ये ड्रिल मशीन से सुराख करके इसको स्क्रू से फिट कर देंगे हम लोग। आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखें। आप लोग देख सकते होंगे, ये बाहर के पॉइंट के लिए हम ये पट्टी फिट कर रहे हैं, और ये यहाँ पर ये फिट पट्टी फिट करके उसके बाद हम लोग वायरिंग करेंगे। ओके गाइस, आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखें। उसके बाद ये देखो, ये हम लोग बोर्ड भी फिट कर देंगे पहले। तो हम लोग ये बोर्ड फिट करने बाद इसके बाद ही वायरिंग करेंगे हम लोग। ओके गाइस, आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखें। तो चलो गाइस, आप लोग को बता दूं कि ये देखो, ये हमारी मेन वायर है, बोर्ड के अंदर आने वाली है न्यूट्रल फेज अर्थिंग इन्वर्टर। ओके गाइस, ये देखो, ये इन्वर्टर की हमने न्यूट्रल भी लिए साथ में सर्किट बोर्ड से। ओके गाइस, आप लोग को बता दूं कि ये देखो, यहाँ से मेन जाने वाला है बाजू की साइड में दूसरे रूम में। ओके गाइस, ये बोर्ड से ही कनेक्शन लेना है हम लोग को। ये देखो, आप लोग को बता दूं, ये देखो, ये कवर हम लोग कटिंग कर देंगे। आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखें। आप लोग जो देख रहे होंगे, ये बाहर के लिए ड्रिल मशीन से होल करके बाहर का पॉइंट भी देने वाले हम लोग। आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखें। पूरी वीडियो में आप लोग को पूरी फिटिंग करके बताऊंगा। ये देखो, ये दो वायर है, ये बाहर के लिए दो वायर हमने लिए, ब्लैक न्यूट्रल है और रेड फेस की वायर है, मतलब पॉइंट की वायर है वो। और आप लोग को बता दो, ये देखो, ये वायरिंग बोर्ड की माप ले लेंगे हम लोग। ओके गाइस, और ये हमने बोर्ड की माप ले ली है। ये देखो, आप लोग को बता दो, ये देखो, आप लोग को बताया था अभी। और ये जो दो वायर देख रहे हैं आप लोग, ये देखो, रेड वायर पॉइंट का पॉइंट है, और ब्लैक वायर न्यूट्रल है, और ये ब्लू वायर भी न्यूट्रल है, और वाइट भी पॉइंट का ऑफ है। ओके गाइस, चार वायर हो गई हमारी, वायर की पॉइंट की और फैन की पॉइंट की। ओके गाइस, हम लोग अभी इसको फिट कर देंगे कवर से। आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखें। आप लोग देख सकते होंगे, ये देखो, कवर फिट हो गए हैं। अभी हम लोग इसको जंक्शन लगा के सीलिंग रोज फिट करेंगे। आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखें। ये देखो, सीलिंग रोज आ गए हैं। ये वायरिंग आप लोग देख सकते होंगे, ये देखो, ये मेन वायर है, आप लोग को बताया था बाजू की साइड से वायर मेन आने वाला है। और आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखें। ये देखो, ये पीछे से, ये देखो, ये मेन हम लोग अभी आप लोग को बताया था, ये बोर्ड से मेन जाने वाला है। ओके गाइस, ये देखो, ये इधर साइड की वायरिंग हो चुकी है अभी। ये देखो, ये वायर पॉइंट आप लोग को बताया था, ये पॉइंट की वायर है, दो दो हम लोग ने दो दो वायर ले लिए डायरेक्टली, न्यूट्रल की भी और पॉइंट की भी हब। ओके गाइस, ये देखो, ये बाजू से मैन आया हुआ है, इसको भी ज्वाइंट कर दिया हम लोग ने। ये देखो, न्यूट्रल फेज अर्थिंग इन्वर्टर। ओके गाइस, ये देखो, ये रेड
फेज है, अर्थिंग इन्वर्टर है। ओके गाइस, ये देखो ये पीछे साइड से ये मेन आया हुआ है। ये देखो ये फेज न्यूट्रल अर्थिंग, देखो येलो वायर न्यूट्रल है, रेड वायर फेज है। ओके गाइस, ये देखो ये पीछे से मेन आया हुआ था, और देखो ये होल्डर भी लग चुके हैं, सीलिंग रोज भी लग चुका है हमारा। ओके गाइस, ये देखो ये दो दो वायर हम लोग ने वायर ले लिए। ओके गाइस, ये देखो पीछे साइड से ये मेन आया हुआ है, और आप लोग को बता दूँ, ये देखो ये पीछे साइड से ये जो रूम था, और ये देखो ये दो वायर है, आप लोग को बताया था, ये देखो ये दो वायर है। ओके गाइस, ये देखो एक कवर भी लगा रहे हम लोग, फिटिंग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते होंगे, कटिंग करके इसको भी फिट कर देंगे हम लोग। ओके गाइस, आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखें। आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। आप लोग को ऐसी वीडियो बताता रहूँगा मैं काम के बारे में। ओके गाइस, और ये सब पट्टी फिटिंग, केजिंग, पट्टी फिटिंग, कंसिल फिटिंग आप लोग को बताता रहूँगा मैं, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइस। अभी देखो, अभी वायरिंग तो हो चुकी है, होल्डर भी लग चुका है, और आप लोग को बता दो, ये देखो ये प्लेट हमारी रेडी कर दी हम लोग ने, इसकी शॉर्टलिंग भी बाकी है, शॉर्टलिंग करके बताएंगे आप लोग को, और आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखें। और ये देखो ये बोर्ड फिटिंग करने वाले हम लोग। ओके गाइस, ये देखो शॉर्टलिंग हो चुकी है, प्लेट भी लगा दिए वायरिंग में। ओके गाइस, ये देखो ये फेज़ वायर है, और आप लोग को बता दूँ, ये देखो फेज़ वायर कहाँ लगी हुई है, आप लोग ध्यान से देखें फेज़ की वायर कहाँ लगाते हैं। ओके गाइस, और आप लोग को बता दूँ, वायरिंग तो सही से लगाना ज़रूरी होता है, वायरिंग उल्टी सीधी लग गई तो आपको पता ही है क्या होता है। ओके गाइस, ये देखो ये दो वायर है, और ये देखो ये दो वायर है, और ये देखो ये मेन वायर है, न्यूट्रल फेज अर्थिंग इन्वर्टर। ओके गाइस, आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें। ओके गाइस, तो ये आप लोग देख सकते होंगे, ये देखो ये प्लेट भी हमने फिट कर दी है, कौन सी वायर किधर लगाई हुई है आप लोग को बताता हूँ मैं। ये देखो ये फेज वायर है, और ये न्यूट्रल वायर है, सॉकेट में हमने फिट कर दिए। ओके गाइस, ये देखो ये फैन का पॉइंट है। ओके गाइस, ये देखो ये लाइट का हॉप है, और आप लोग को बता दो ये भी लाइट का हॉप है, और आप लोग दो टेप की मार्किंग देख रहे हैं, ये इन्वर्टर की वायरिंग है। ओके गाइस, इसको अलग ही रखना पड़ता है। ओके गाइस, ये देखो ये फेज आता है, इसमें करंट आता है। ओके गाइस, ये देखो ये इन्वर्टर की भी न्यूट्रल है, साथ में हम लोग ने लिए हुए है। ओके गाइस, तो चलो गाइस, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग को ऐसी वीडियो बताता रहूँगा काम के, वायरिंग की और कंसील फिटिंग। ओके गाइस, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइस।